जब पाकिस्तान की शैतानी की साजिशों के चलते अफगानिस्तान में तालिबान के इस्लामिक अमीरात खड़ी की गई थी, तभी लोग कहने लगे थे कि आतंक का ये भस्मासुर एक न एक दिन पाकिस्तान को जरूर चलाएगा, और यह आशंका अब सच साबित होती नजर आ रही है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इमरान सरकार के साथ हुए कथित सीजफायर को खत्म कर दिया, और टीटीपी सरगना मुफ्ती वली महसूद ने ऐलान कर दिया है कि अब टीटीपी के आतंकी दोबारा पाकिस्तानी फौज पर अटैक करेंगे। रिपोर्ट देखिए। कि जो टीटीपी की तरफ से अटैक्स रुके थे, नाउ द अटैक्स आर गोइंग टू बी स्टार्टेड। ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सीज फायर को मजीद लंबा करने के लिए इनकार कर दिया है। सीज फायर खत्म हो गया। अखबारों से लेकर टीवी चैनल्स के एंकर तक, इमरान की हुकूमत से लेकर बाजवा की फौज तक, हर किसी की जुबान और जहन पर बस एक ही नाम है, टीटीपी, यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी वो आतंकी संगठन है जिसने मुशर्रफ जैसे फौजी तानाशाह को हिलाकर रख दिया था। टीटीपी आतंकियों का वो गुट है जिसने पाकिस्तानी फौज के दिल यानी पेशावर आर्मी स्कूल के बच्चों के खून से होली खेली थी, और अब इसी टीटीपी ने इमरान खान को चैलेंज कर दिया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान सरकार के साथ जो युद्ध विराम था वो खत्म किया जाता है, और इसके साथ ही टीटीपी के आतंकी दोबारा पाकिस्तानी फौज पर हमले करेंगे। टीटीपी के इस खतरे का इल्म मानो पाकिस्तान को था, सिर्फ इमरान सरकार अपनी फजीहत बचाने के लिए झूठे दावे कर रही थी जो अब ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। हमारे कान पक्के थे पिछले सालों में सुन सुन के कि ये जो टीटीपी है कुछ नहीं है, हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है, हिंदुस्तान कर रहा है। लेकिन मैं इस हवाले से कह रहा हूं कि अब तो हिंदुस्तान अफगानिस्तान से चला गया है, और रियासत पाकिस्तान टीटीपी से इक्वालिटी की बेसिस पे, बराबरी की सिता पे मुजाकरात कर रही है। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी पब्लिक दोनों को पता है कि इमरान का वादा खिलाफी और फरेबी फितरत की वजह से टीटीपी का खतरा दोबारा पाकिस्तान के सिर पर तलवार बनकर मंडराने लगा है। दरअसल टीटीपी और इमरान सरकार के बीच 9 नवंबर को सीज फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन ये सीज फायर पूरे एक महीने भी नहीं चल पाया। सीज फायर की शर्तों के मुताबिक इमरान सरकार को अलग अलग जेल में कैद टीटीपी के 102 आतंकियों को रिहा करना था, लेकिन इमरान सरकार ने ऐसा नहीं किया और टीटीपी ने सीज फायर खत्म होने का ऐलान कर दिया। मुज़ाकरात इसलिए हुए कि उन्होंने तालिबान लीडरशिप को कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको कोई नुकसान ना पहुंचाएं, तो हमें मराहत लेके दें हमें पाकिस्तान से, जिसमें इतने हमारे कैदी छोड़े वो इतने हमें लिबर्टी दें, हमें वापस जाके अपने वहाँ बसने दें वगैरह वगैरह। जो आपकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी भी कुछ रेड लाइंस हैं, और बुखारी साहब जो मैंने बात की है वो रेड लाइन से आगे नहीं जाने दिया कि वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमें थ्रेट कर रहे हैं। यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट टीटीपी ने कोरी धमकी नहीं दी है। तहरीके तालिबान ने जिन हमलों का दावा किया है वो शुरू भी हो चुके हैं। टीटीपी आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा के टंक इलाके में पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकी पर हमला कर दो पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया। इतना ही नहीं, टीटीपी आतंकियों ने दो वीडियो भी रिलीज किए हैं जिसमें टीटीपी आतंकियों ने दोबारा पाकिस्तान की सरजमी पर आने की धमकी दी है। पहले वीडियो में टीटीपी की टॉप लीडरशिप को खैबर पख्तूनख्वा के गांव में घूमते दिखाया गया है, और इमरान सरकार को पैगाम दिया गया है कि टीटीपी के टॉप कमांडर वापस लौट आए हैं, और दूसरे वीडियो में टीटीपी आतंकियों का एक बड़ा काफिला पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ मूवमेंट करता नजर आता है। तहरीक तालिबान का लौट आना उस भस्मासुर की वापसी है जो सालों से पाकिस्तान को सुलगा रहा था। अगर टीटीपी ने अपनी आदत के मुताबिक दोबारा हमले तेज किए तो ये कंगाली और नाकामी से जूझती इमरान सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। टी न्यूज नेशन। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक आतंकी संगठन एक देश के लिए मुसीबत कैसे बन सकता है, आखिर टीटीपी को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है कि इस आतंकी संगठन की चर्चा हर पाकिस्तानी की जुबान पर है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको जानना होगा टीटीपी का इतिहास, जो आपको बताएगा क्यों तहरीके तालिबान को पाकिस्तानी फौज में मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। रिपोर्ट देखिए।
बेनजीर भुट्टो की हत्या, लाहौर में पुलिस एकेडमी पर हमला, पेशावर में आर्मी स्कूल अटैक, गिनते गिनते उंगलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों की लिस्ट खत्म नहीं होती। तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो आतंकी संगठन है जिसने परवेज मुशर्रफ से लेकर नवाज शरीफ जैसे हुक्मरानों की जड़ें हिला दी थी, और अब टीटीपी के निशाने पर आ गया है नियाजी यानी इमरान खान। ये इमरान खान इतना कॉन्फिडेंट क्यों थे इस पे? इमरान खान इतना कॉन्फिडेंट इसलिए थे कि उन्हें लग रहा था कि मैं ये टीटीपी से सीज फायर ले लूं, इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं होगी, हमारे खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे तो हम टाइम बाय कर लेंगे, इतने देर में हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के उस इलाके में इसको टीटीपी को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी ही चीज टीटीपी भी सोच रहा था। जैसा कि नाम से जाहिर है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान दरअसल तालिबान से ही टूटकर बना एक आतंकी गुट है। ये आतंकी संगठन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बसे खैबर पख्तूनख्वा और फाटा एजेंसी के इलाकों से चलता है, और इसमें ज्यादातर पश्तून लड़ाके शामिल हैं। टीटीपी की तीन मांगे हैं, और इन्हीं तीन मांगों को लेकर टीटीपी के आतंकी सालों से पाकिस्तान में खून खराबा कर रहे हैं। टीटीपी की पहली डिमांड है पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू कर दिया जाए। तहरीके तालिबान की दूसरी मांग है कि टीटीपी को दूसरे देशों में राजनयिक या फिर कूटनीतिक दफ्तर खोलने की इजाजत और आजादी मिले, और तीसरी डिमांड है कि फाटा समेत सभी पश्तून बहुल इलाकों को एक एजेंसी या प्रांत के अंदर लाया जाए। डिमांड सालों पुरानी है जो आज तक पूरी नहीं की गई, और आज तक टीटीपी का आतंक जारी है। लेकिन पाकिस्तान के लिए खतरा इस वजह से बढ़ गया है क्योंकि अब टीटीपी का टेरर ब्रदर कहा जाने वाला तालिबान पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में मजबूत हो गया है। जब तालिबान काबुल पर काबिज भी नहीं हुआ था, तभी से टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज पर हमले शुरू कर दिए थे। पिछले एक साल के दौरान टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज पर 50 से ज्यादा हमले किए हैं, जिनमें से 17 को बड़े टेरर अटैक के तौर पर पहचाना गया। इन हमलों में पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स के तकरीबन 150 जवान मारे जा चुके हैं। इसी वजह से न सिर्फ बाजवा बल्कि टीटीपी की धमकी ने इमरान खान की भी नींद उड़ा रखी है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अब पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला करने का सोचा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो सीज फायर एग्रीमेंट था पाकिस्तान की सरकार के साथ, वो उसने तोड़ दिया है। अब ये इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। अब जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की फौज भी हमला करेगी, एक तरीके से एक नई चुनौती पाकिस्तान की सरकार को होगी, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान में शरीयत के ऊपर ही एक सरकार बननी चाहिए। तालिबान जो अफगानिस्तान में रूल कर रहा है, वो भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान से अब दूरी चाहता है। टीटीपी से पाकिस्तानी फौज इस वजह से खौफजदा है क्योंकि अगर टीटीपी के हमले बढ़े तो पाकिस्तानी फौज को दोबारा जरबे अजब जैसा बड़ा ऑपरेशन शुरू करना पड़ सकता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उससे जुड़े आतंकी गुटों के खिलाफ साल 2014 में पाकिस्तानी फौज और एयरफोर्स ने मिलकर ऑपरेशन जरबे अजब चलाया था। तकरीबन 3 साल तक पाकिस्तानी फौज खैबर पख्तूनख्वा और टीटीपी के दूसरे गढ़ों में बमबारी करती रही थी। इस ऑपरेशन में 500 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे और टीटीपी के 3500 समर्थकों की मौत हुई थी। पाकिस्तानी फौज को पहले ही देश में अपने ही लोगों पर बमबारी करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फौज की फजीहत हुई थी। और अगर दोबारा टीटीपी ने हमले बढ़ाए तो बाजवा की बुजदिल ब्रिगेड फिर जरबे अजब पार्ट 2 जैसा कुछ करने पर मजबूर हो जाएगी। ऐसी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक हमले को भी अंजाम दिया है, तो जाहिर है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का खतरा पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान में वो शरिया लॉ को लागू करने की मंशा रखता है, और उसकी शुरुआत वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से, सदर्न और नॉर्दर्न वजीरिस्तान के इलाकों से करेगा। पाकिस्तानी फौज के लिए मुश्किल इस वजह से भी बड़ी होगी क्योंकि टीटीपी से लड़ने में अगर संसाधन फंसाए गए तो एलओसी पर प्रॉक्सी वॉर कमजोर पड़ जाएगी। पाकिस्तानी फौज के जरिए कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कम होगी, जिसका सीधा असर घाटी में पल रहे आतंक के सपोलों पर पड़ेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की सरकार ने यह भी कहा था कि वो आगे की वार्ता के लिए अपने सदस्यों की एक कमेटी बनाएगी, और तहरीके तालिबान भी ऐसी कमेटी बनाएगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने तो अपनी कमेटी बना ली, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी भी किसी कमेटी का ऐलान नहीं किया गया है। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ये आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सरकार वादा खिलाफी कर रही है।
अब इमरान और बाजवा के आगे कुआ और पीछे खाई है। अगर टीटीपी के सामने घुटने टेक कर कोई समझौता किया तो दुनिया आतंकवाद के सामने सरेंडर कहेगी, और अगर टीटीपी से लड़ने के लिए मैदान में उतरे तो तबाही तय है। टीम न्यूज नेशन। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। टीटीपी ने यह धमकी हवा में नहीं दी है, बल्कि पूरे गुणा गणित को साध कर पाकिस्तानी फौज को टीटीपी ने अल्टीमेटम दिया है। मुफ्ती नूर वली महसूद को पता है कि तालिबान का एक बड़ा धड़ा टीटीपी से हमदर्दी रखता है। ऐसे में टीटीपी पर अगर पाकिस्तानी फौज ने बड़ा एक्शन लिया तो तालिबान से जवाब आना तय है, और टीटीपी के समर्थन के कुछ इशारे मिलने शुरू भी हो गए। कैसे तालिबान ने पाकिस्तान को दिया है पहला बड़ा झटका, और क्या होगा अगर तालिबान को टीटीपी या फिर पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना पड़े? इन सब सवालों का जवाब देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। پاکستان سیاسی اډانه او چوکاټ د اسلامي نظام نمائندگی نه کوي، لکه څنګه چې د هغه ملک هیواد دینی مصادر کوم حکم کوي دار کوم د دې نظام نه ده. هلته خو تپل دی، هلته خو څوک حاکمیت د چا په لاس ورغلی، لکه شل کاله زموږ سرنوشت په لاس کې. هغو ته دین مهم نه دی، هغو ته دا مهم دی بس एक तरफ तहरीके तालिबान इमरान सरकार से सीज फायर तोड़ता है, पाकिस्तान फौज पर हमलों की धमकी देता है, तो दूसरी ओर तालिबान के प्रवक्ता पाकिस्तान की इस्लामिक तासीर पर सवाल उठा देता है। 48 घंटों के अंदर इन दो घटनाओं की टाइमिंग बताने के लिए काफी है कि टीटीपी को लेकर तालिबान के अंदर किस किस्म के जज्बात। अगर आप तालिबान की इस्लामिक अमीरात को देखेंगे तो आपको इसके हिस्से समझ आ जाएंगे। इस इस्लामिक अमीरात का एक हिस्सा हक्कानी नेटवर्क है, दूसरा हिस्सा है अफगान तालिबान, और तीसरे हिस्से पर काबिज है पाकिस्तानी तालिबान जो क्वेटा शूरा की हुक्म बरदारी करते हैं। और अगर आप मुफ्ती नूर वली के तहरीके तालिबान को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेटा शूरा से जुड़े कुछ गुट इस आतंकी संगठन से हमदर्दी रखते हैं। शमीम गुट, हजरत अल्लाह गुट और महसूद जिरगा कुछ ऐसे गुट हैं जिनका वैचारिक समर्थन पूरी तरह तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ है। यही है पाकिस्तान परस्त अफगान तालिबान की दिक्कत। जिन शूरा और जिरगाओं के जरिए तालिबान को खड़ा किया गया, जिनकी विचारधारा के आधार पर तालिबान में आतंकी भर्ती होते हैं, वहाँ तालिबान बेबस हो जाता है, और ऐसे में तालिबान के लिए पाकिस्तान की हुक्म परस्ती के लिए टीटीपी से मुंह मोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तालिबान के अफगानिस्तान में काबुल की सत्ता पर फोर्सफुल टेक ओवर कर लेने के बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान का भी मनोबल बढ़ा है, और उसके आतंकी अब लगातार पूरे पाकिस्तान का भी तालिबानाइजेशन करना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में सरिया ला लागू करना चाहते हैं, और वो उसी तरीके का शासन स्थापित करना चाहते हैं जैसा कि तालिबान ने वर्तमान समय में अफगानिस्तान में स्थापित कर रखा है। वक्त पर एक और ब्रेक का।